नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीएन 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयान। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की वजह से ही महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन टूटा है। सुप्रिया ने कहा कि एनसीपी अपने दम पर राज्य में सरकार बनाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सीएम पद की दावेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी के विधायक चुनाव के बाद लेंगे। सुप्रिया सुले से बात की हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने। कांग्रेस और एनसीपी की राहें तो अलग हो गई है, लेकिन अब भी दोनों ही दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आज हमारे साथ है एनसीपी सांसद और युवा नेता सुप्रिया सुले। आईबीएन 7 में आपका स्वागत है। मेरा सवाल पहला ये कि अब तक सिर्फ कांग्रेस ही गठबंधन टूटने के लिए आप लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि बीजेपी और एनसीपी की डील हो गई थी और चुनाव के बाद एक साथ आ जाएंगे। अभी उद्धव जी को कैसे पता हमारे यहाँ क्या हो रहा है? कांग्रेस भी बोल रही थी, तो मैं भी बोल सकती हूँ कि कांग्रेस और शिवसेना की डील है, ये भी बोल सकती हूँ ना मैं। ये तो कांग्रेस और एमएनएस की डील है, शिवसेना और एमएनएस की डील है। बोलने को तो कुछ भी बोल सकता है आदमी। और आप बताएं मुझे, थोड़ा आप सोच ले, बीजेपी के सबसे, आपने कैंपेन भी देखा है, सबसे ज़्यादा अटैक किस पे कर रहे हैं? एनसीपी कर रहे हैं। तो कैसी हमारी छुपी कुछ हो सकता है? आप भी सोचिए, थोड़ा सोच के तो बोले सब नेता महाराष्ट्र में अभी। लेकिन उनका तो ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में ही एनसीपी को एनडीए के साथ लाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने विरोध किया इसीलिए एनसीपी साथ नहीं आ पाई। अभी ऐसा होता है जब अपना घर टूटता है ना, तो आदमी कुछ भी बोलता है। ऐसा उनका बोलना आ जाए, मैंने भी इंटरव्यू देखा, मुझे हंसी आ रही थी। आप सबके भाषण भी देखिए, अगर हमें एनडीए में बुलाना चाहते थे, सबसे ज़्यादा अटैक किस पे किया? अमित शाह भी जब मुंबई आए, सबसे ज़्यादा अटैक किस पे किया? एनसीपी पे किया। तो अगर हमारा छुपी कुछ गठबंधन होता तो हम पे अटैक करते वो? चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि अटैक कर रहे हैं, मतलब आप लोग गठबंधन की बात है, लेकिन अब तक किसी भी एनसीपी के नेता ने साफ तौर पर नहीं कहा है कि अगर चुनाव के बाद चाहे जैसी भी परिस्थितियां बने एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। क्या आप कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? हम किसी के भी साथ नहीं जाएंगे। हम हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा चुन के लोग आएंगे हमारे, और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। चलिए ठीक है, आप विश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन अब आप एक बात तो ईमानदारी से कहेंगे, क्या किसी बीजेपी नेता ने एनसीपी के साथ संपर्क करने की कोशिश की थी? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे दोस्त हैं हर पार्टी में, शिवसेना में भी है। तो ऐसे आप बोलेंगे कल हम बात भी नहीं कर सकते किसी से? हमारे तो पवार साहब के 50 साल से किसी भी पार्टी में, आप शिवसेना भले हो, पवार साहब की और तो बाला साहब की दोस्ती हर देश में उसकी चर्चा होती है। तो इस हिसाब से तो उद्धव जी को उसके भी दिक्कत होनी चाहिए। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, क्योंकि कयास इसलिए गठबंधन की है, बीजेपी और एनसीपी की दोस्ती की बात इसलिए भी आ रही है क्योंकि शरद पवार जी और पीएम मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध है। अब ऐसे में कतरा क्यों रही है एनसीपी? खुल के भली गठबंधन न करे, अच्छी दोस्ती है हमारी। हमने तो हमेशा बोला है, पवार साहब खुद मोदी जी को मिलके भी आए 2-3 बार। वो खेती का जो कोई इश्यूज थे हमारे यहाँ, जो प्रॉब्लम्स थे महाराष्ट्र में, 2-4 हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अड़चने हुई है, अभी हो रही है, उसमें तो हम जाके मिले, पवार साहब खुद मिले, पेपर में भी फोटो आया, तो कैसे छुपा सकते? छुपाने के लिए है ही क्या? चलो ठीक है, आप इस बात से तो इनकार करें, लेकिन अभी जो नया आरोप शरद पवार जी ने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया, अब एक प्रथा सी हो गई कि चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस में उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। पवार साहब ने भी राहुल गांधी को गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार बताया, आखिर वजह क्या है, किन बिना पर शरद पवार जी ने आरोप लगाया? ये ऐसे हुआ था, उन्होंने आरोप ऐसे नहीं, आपको फैक्ट्स बताया। जैसे मैं भी 1 महीना पहले जब दिल्ली गई थी, वहाँ देखिए कांग्रेस में शायद हमारे कोई विरोधक हो, बस 4 दोस्त तो है, और हर मीटिंग में जो हमको सुनने आया कि हमारे जो दोस्त है कांग्रेस में, उन्होंने काफ़ी जनों ने हमको कहा था, मुझे तो 1 महीने पहले बोला था कि गठबंधन नहीं होने वाला। मैं बोली नहीं नहीं हमारे तो डायलॉग है, पवार साहब खुद सोनिया जी को मिलके आए हैं, और हमारी कोशिश है, पहल तो एनसीपी ने की थी, पवार साहब जाके मिले थे सोनिया जी को और बोले थे कि अभी गठबंधन का करें। उस बीच में 32 दिन गए और कांग्रेस का हाँ ना किए जा रहे थे। तो अगर हमको करना ही नहीं था तो हम पहल क्यों करते, आप बताएं? लेकिन आपने अभी बातचीत में कहा कि आपको बहुत पहले ही कह दिया गया था 1 महीना पहले कि गठबंधन नहीं होगा, कौन वो शख्स है आप बता पाएंगे? क्योंकि नहीं, ऐसे नहीं, इंटरनली हमारे में शख्स का नाम कैसे आपको बता सकते, और 3-4 लोगों ने बोला था कि कांग्रेस का मूड नहीं है गठबंधन करने का और सीएम का मूड नहीं है। तो मेरे ख्याल से पहले ही बोल देते तो हम पहले ही, हमको पता चलता
हमको सिर्फ हाँ बातचीत में लगा रखे, हाँ फोन कर रहे, नहीं कर रहे, इसमें ऐसे में उन्होंने किया सब चीज़ कांग्रेस पार्टी ने। इसका दुख मुझे होता है क्योंकि तोड़ना था तो साफ साफ कह देते। लेकिन सोनिया जी ने तो पूरे सारे आरोपों का खंडन किया, उन्होंने कहा तो ना राहुल जिम्मेदार है ना वो जिम्मेदार है। किसी उनके शायद पार्टी का कोई जिम्मेदार होगा। मतलब अब भी आप मानने को तैयार है कि कोई ना कहीं कांग्रेस में कोई एक शख्स जिम्मेदार होगा अगर सोनिया राहुल वो कौन जिम्मेदार है है? मुझे तो पता नहीं है, लेकिन संकेत तो वैसे उन्होंने पहले दिए थे जब हम बातचीत कर रहे थे तो मिक्स सिग्नल दे रहे थे। अच्छा मिक्स सिग्नल आपको तभी चाहिए आप। लेकिन क्योंकि शरद पवार साहब ने एक आरोप एक कहा कि राहुल गांधी जिम्मेदार है, सोनिया गांधी आप उसका खंडन करी, अब इन परिस्थितियों में जनता किस पर विश्वास करेगी, कौन सच बोल रहा है, शरद पवार साहब या फिर सोनिया गांधी? देखो रिश्ता तो टूटा है, क्या फर्क पड़ता है। अभी तो लोगों ने हमके रिश्ते को तो मतदान नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से अभी वो जो हो गया सो हो गया, टूटा गठबंधन तो टूट गया। अभी जो अच्छा प्रशासन महाराष्ट्र में रह के दे उसी को जनता वोट दे। चलिए ठीक है, आप कह रही कि आप जो आप एक एक कदम आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे एक जानना चाहूँ क्योंकि राहुल गांधी को लेकर लगातार कई बातें आती है, उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं, एक अच्छा लीडर नहीं होने का तमगा उन पर लगाने की कोशिश कई नेताओं द्वारा की गई, आपने 10 साल उनके साथ काम किया, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी अच्छे लीडर या फिर अभी उन्हें मैच्योर नेता बनने में वक्त नहीं लगेगा? नहीं मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं उनको इतने पास से नहीं जानती। जो जो भी मैं उनको जानती हूँ वो एक बहुत अच्छे राहुल जी को मैं बहुत कम मिली हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है बहुत अच्छे हैं। वो सबसे अच्छे से बात करते हैं और वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, तो वो अच्छे बुरे जो उनके ही लोग बोलते हैं, बाहर का तो कोई नहीं बोलता। तो ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल इश्यू है। क्योंकि एक क्योंकि आपने काम किया, क्योंकि ये क्योंकि आप भी एक युवा नहीं नेता, आगे मैंने चल के आप नहीं महाराष्ट्र नहीं में देश में आप लोग साथ मैंने में मैंने राजनीति उनके करें। साथ काम नहीं किया है, मेरी उनसे ज्यादा बातचीत भी कभी पार्लियामेंट में नहीं हुई है। चलिए ठीक, इससे आगे बढ़ते महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के नेताओं पर चले, लेकिन एनसीपी पर भी बहुत बड़ा तमगा है, अब ऐसे में अजीत पवार और सुनील तटकरे या अन्य नेता जो उन पर आरोप लगे, आपको लगता है भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है एनसीपी को इन चुनाव में? नहीं, भ्रष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और भ्रष्टाचार ना हो इसीलिए हमारी सरकार, हम जब कांग्रेस के साथ थे, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन हमने लाया था। और आज देख रहे हैं आप, टेलीविजन मीडिया हो या आरटीआई हो, दोनों की तरफ से जो चाहे वो उसको इंफॉर्मेशन फाइल के बारे में मिल सकता है। तीन चार चीज़ें हैं यहाँ। जब एलिगेशंस हुए थे उसके बाद महाराष्ट्र असेंबली में डिटेल चर्चा हुई थी, एक। उसके बाद विरोधों भी काफ़ी, तो उनको उनको लग मुझे लग रहा था उनके बाद कि नहीं, उनको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक बात। दूसरी बात, चितले कमिटी के चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, पूरी इंक्वायरी हुई, दुनिया जानती है क्या हो रहा है, उसके चितले रिपोर्ट ओपन टू पब्लिक है। उसके बाद एक और एक केस भी चली, उसी में भी हम लोग ने बोला है कि आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो करे। तो मुझे याद है कि 95 में ऐसे ही पवारकर साहब के खिलाफ बहुत कुछ लोगों ने बोला था और उसके बाद हमारे विरोधक चुन के आए। उसके बाद कोर्ट में जब केस चली थी तो हमारे विरोधकों को कहना पड़ा, तब की महाराष्ट्र सरकार को, कि ये सब पॉलिटिकली हमने किया था, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। आप शायद छोटे होंगे, आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, नहीं यार, लेकिन आज भी बोल रहे थे लोग पवार साहब के खिलाफ कि ट्रक भर भर के हम लाएंगे कागज, इतनी चिट्ठी भी नहीं आज मिली। आगे बढ़ते, अब तमाम जो अन्य पार्टियां सबके पास मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो कांग्रेस की तरफ से, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे या अन्य बीजेपी हो, एनसीपी का कौन चेहरा होगा? मुझे नहीं पता कांग्रेस का कौन चेहरा है, कि कांग्रेस का भी नहीं उन्होंने कहा, पता। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान है, वो खुद खुद से आगे बढ़कर कह रहे कि सेंट्रल जो उनके आला कमान, उन्होंने कह दिया है कि उनके आला नेतृत्व में। कमान से तो मैंने नहीं सुना एक तो, और कांग्रेस की बाकी के लोग क्या करें उसके बारे में भी मुझे सुनना है, एक तो पहली बात। और दूसरी बात, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि हम पहले नेता नहीं चुनते, हमारे जितने लोग चुन के आएंगे वो नेता करेंगे, जो डिसाइड करेंगे। तो हमारी पार्टी बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम लोग लादते नहीं है कि नहीं इसी को नेता बनाना है। ठीक है, आप कह रहे कि तमाम लोग चुनकर एक नेता तय करेंगे, सल्यूटली वैसा ही लेकिन होना चाहिए। बिल्कुल ये लेकिन आप भले ही अभी फिलहाल लोकसभा में हैं, लेकिन अगर आपको भविष्य में जिम्मेदारी दी गई मुख्यमंत्री बनने की, तो क्या आप तैयार हैं, क्या आप जिम्मेदारी कबूल करेंगी? एक तो महाराष्ट्र से मैं इलेक्शन नहीं लड़ती, मैं केंद्र के लिए जाती हूँ। मुझे खुद को दिल्ली में काम, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत मुझे ज़्यादा काम करने में
मुझे ज़्यादा शौक भी है। आपका यही जो अनुभव है, मैं उसी की बात करूँगी, अगर भविष्य में आपको मौका मिला और आप अपने उस अनुभव को महाराष्ट्र के विकास में इस्तेमाल कर सकते, क्या आपको अगर जिम्मेदारी कबूल करेंगे? नहीं, एक महाराष्ट्र में हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जिनको बहुत अच्छा अनुभव है, और आपने देखा है अच्छे गवर्नेंस की बात करते हैं, जो टीम हमारे पास पार्टी में है किसी पार्टी के पास नहीं, जितने इतने अनुभवी नेता किसी भी पार्टी में नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ओपनिंग ही नहीं है, बहुत अच्छे नेता हमारे पास है। केंद्र में पार्टी जो भी जिम्मेदारी दे वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ केंद्र में। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल के रुझान की अगर हम बात करें, वो एनसीपी का साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप देखेंगे हमारी कोशिश है, आप अजीत दादा की भी बात कर रहे थे, दादा तो पहले से कह रहे हर पार्टी खुद करे, खुद पे जिम्मे पे अच्छा मेहनत करके लोगों तक पहुँचा के एक विकास का वोट हम मांगे, और एनसीपी को एक क्लियर मैंडेट अगर मिले तो राज्य के लिए अच्छा ही होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा, कितने आंकड़े की अगर हम बात करें तो कितने आंकड़े तक छुपाएगी? अब तक जितने भी स्ट्रैटेजी लोगों से मिल के है, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए हमारी अगर सरकार हम बनाना चाहते हैं तो ये 150 तो मैजिक नंबर है ही, तो हर पार्टी चाहेगी कि 150 से आगे ही हो, तो हमारी भी कोशिश 150 के ज़्यादा ही होगी। अभी वक्त ही बताएगा, मैं नंबरों में नहीं फंसना चाहती, लेकिन हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी सुप्रिया सुले, जिन्होंने तमाम आरोपों से इनकार किया, साथ में विश्वास भी दिखाया है कि सरकार उनकी बन सकती है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये चुनाव के नतीजों के बाद ही पता